अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं रेसिपी लाई हूँ डोसा का। अभी मसाले वाले डोसा है और नारियल का चटनी है, नारियल और मूँगफली की चटनी है, एक साथ मिल करके बनाई हूँ। तो देखिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड जैसे लोगों में शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए मैं मसाले वाले डोसा बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डोसा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम चावल। तो चावल को अच्छे से वॉश कर लिए हैं, तो अच्छे से आप देख सकते हैं इतना अच्छा वाइट वाइट दिख रहा है। तो हम रात भर के लिए इसको भिगो देते हैं, तो रात भर पानी में रहेगा, ओवर नाइट कर देते हैं। उसके बाद से ये है दाल, ये उड़द का दाल है, दोनों मिक्स करके बनता है डोसा। तो इसको भी अच्छे से वॉश कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम पानी साफ़ है इसका। तो ये रात भर के लिए इसको भी हम छोड़ देते हैं, पानी में भिगो देते हैं, ये अच्छा से फूल जाएगा। चावल अच्छे से फूल चुका है, इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये है दाल, दाल के भी हम पीस लेते हैं मिक्सी में, भी अच्छे से फूल चुका है, ओवर नाइट हम डाल दिए थे। चावल मिक्सी जार में डाल दिए हैं, अब थोड़ा पानी हम डाल दिए हैं, अब इसको हम पीस लेते हैं। चावल पीस चुके हैं, अच्छे से पिसा चुके हैं। किसी मिक्सी में हम डाल दिए हैं उड़द दाल, थोड़ा सा पानी हम डाल दिए हैं, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। उड़द के दाल पीस चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे दही। ये मैंने दही लिया है, 200 ग्राम दही है, तो दही को इसमें डाल देती हूँ, उड़द के दाल में पीसा हुआ। एक बार और हम मिक्सी को चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये पीस चुके हैं दही और उड़द दाल, बहुत स्मूथ हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये पीस चुके हैं, एक ही में मिला देते हैं हम। चावल पीस चुके थे पहले से, उसमें हम मिला देते हैं दही और ये उड़द की दाल पीसा हुआ है, हम इसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा और हम पानी डाल देंगे, ज़्यादा गाढ़ा है। बैटर बन के तैयार हो गया है, इसमें हम डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, थोड़ा नमक कम डालेंगे, कम डाला जाता है इसमें, नमक कम डालते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक डाल के। अब चलती हूँ नारियल की चटनी बनाने के लिए। तो क्या क्या चाहिए नारियल की चटनी बनाने के लिए? नारियल को हम ग्राइंड जार में डाल करके ग्राइंड कर लिए हैं, और ये है मूंगफली। मूंगफली हम इसमें डालेंगे, तो मूंगफली हम लिए हैं 100 ग्राम के अंदाज में है, और एक नारियल का एक गोला लिया है नारियल का। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और लहसुन का कलिया डालेंगे। तो फ्राई पैन चढ़ा दिए हैं चूल्हे पे, गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बादाम रोस्ट करना है। मूंगफली अच्छा से भुना गया है, आप देख सकते हैं। फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। फ्लेम को बंद कर दिए हैं और चूल्हे से नीचे उतार लिए हैं। इसमें हम नारियल डाल देंगे, ऑयल डालें इसलिए कि थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो ये चटनी ख़राब होने वाला नहीं है। 2-3 दिन 4 दिन तक स्टोर करके रख सकता है आदमी। देखिए, स्टोर करके रखने में बहुत फ़ायदा है, जब चाहे आदमी खा लेगा।
तो थोड़ा सा हम गरम कर लेते हैं इसमें डाल करके, फिर हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं, फिर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो हम ग्राइंड कर लेंगे। नमक डालना भूल गई थी, इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो नारियल की चटनी अच्छे से पीस चुके हैं, आप देख सकते हैं। बाउल में निकाल लेंगे, चटनी हम बाउल में निकाल देते हैं, आप देख सकते हैं। चटनी को निकाल लिए, तड़का लगा देते हैं। तो अब तड़का लगा देंगे, ऑयल डाल देते हैं, गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम राई, राई डाल देते हैं। राई धुल लिए थे, राई को सुखा लिए थे, तो इसमें राई डाल दिए हैं, राई सूख चुका है। इसमें हम डालेंगे सूखी मिर्च, तो तीन लिए हैं। इसको तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा तड़का लेंगे, फिर हम चटनी में डालेंगे। फोरन जल चुका है, अच्छा से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम तड़का लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। ये है नारियल का चटनी, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत यम्मी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला डोसा बनाने के लिए तो हम सबसे पहले लेंगे आलू। तो आलू को हम ले लिए हैं, आलू को अच्छे से वॉश कर लिए हैं, उबाल दिए हैं। इसको हम हाथ से मैश कर दिए हैं। तो देखिए ऐसे मैश किए हैं, ज़्यादा मैश नहीं किए हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में है मैश। इसको हम साइड कर देते हैं। ये सब मसाला है, ये धनिया पाउडर एक टेबल स्पून है, एक चम्मच है सूखी मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा है पाउडर, और चाट मसाला है एक चम्मच, एक चम्मच है हल्दी, और ये है दो चम्मच है लहसुन का पेस्ट। ये है दो साइज में टमाटर लिए हैं, इसको अच्छे से कट कर लिए हैं। यह है प्याज, और दो हरी मिर्च लिए हैं, इसको हम स्लाइस कर लिए हैं। अब चलती हूँ गैस पे करो। गैस ऑन कर दिए हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है। फिर हम डालेंगे तेल, थोड़ा सा तेल डालेंगे हम, फिर प्याज फ्राई के लिए तेल डालेंगे। प्याज को डाल दिए, प्याज फ्राई हो रहा है, प्याज फ्राई हो गया है। इसमें मसाले को ऐड कर देते हैं, सारे मसाले को ऐड करते हैं। चाट मसाला है, चाट मसाला से क्या होता है कि चाट मसाला डालने से कि ये चटपटे होता है, तो सारे मसाले को हम ऐड कर दिए हैं। हम डालेंगे पानी, नमक डाल देते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डालेंगे। थोड़ा मसाला हम भून लेंगे, तब आलू डालेंगे इसमें। टमाटो डाल देते हैं, फिर हम डाल देंगे आलू। अगर हम भून लेंगे आलू डाल करके, दो मिनट तक भून लेंगे। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, एक मिनट लगेगा और भूनने में। अब ये हो चुका है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो तवे को हम चढ़ा दिए हैं चूल्हे पे, नॉन स्टिक तवा है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा तेल, तेल डाल दिए हैं। हमारा तैयार हो गया है, इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा डाल के थोड़ा मिक्स कर लेंगे।
बेकिंग सोडा डाल दिए हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी को थोड़ा सीधा डाल देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, फिर हम तवे को पोंछ लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं तवे को हम अच्छे से पोंछ लिए हैं, फिर हम गैस को ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गैस को ऑन कर दिए हैं। अब हम डाल देते हैं तवे पर, आहिस्ता आहिस्ता हम फैलाएंगे बढ़िया से, तो हमारा डोसा बन के अच्छा से रेडी होगा। ये कितना अच्छा से हो रहा है, फैल रहा है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हम ऑयल, किनारे किनारे हम हल्का सा ऑयल डाल देते हैं, ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा गैस को फ्लेम मीडियम कर देते हैं। अब ऐसे करके हम सेकेंगे ताकि किनारे कच्चा ना रहे, किनारे को थोड़ा सा अच्छा से ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन। चारों तरफ से घुमा करके सेक लेना है। अपने आप साइड से छोड़ देगा डोसा, पलटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सब तरह से हम सेक लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, मसाला का बैटर हम डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला का बैटर हम डाल देते हैं अच्छे से। अब गैस को फ्लेम हम लो कर देते हैं। अब आराम से हम अपना पलट लेंगे। एक साइड से निकल चुका है अपने से आप, पलटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारा रेडी हो गया है डोसा, कितना अच्छा मार्केट जैसा हुआ है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, लाजवाब लगेगा। फिर हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह करके हम बनाएंगे। पहले हम डालेंगे पानी, हम इसको पोंछ लेंगे अच्छे से। फिर हम बैटर को डालेंगे, देखिए ऐसे करके फैलाना है, बहुत आसान है डोसा बनाना। आप देख सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे,
थोड़ा ऑयल डाल दिए हैं, मीडियम को फ्लेम मीडियम फ्लेम कर दिए हैं गैस को। अब इसको हम ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के सेक लेंगे तो हमारा अच्छा बैटर होगा, अच्छा बन के रेडी होगा। अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं, फिर हम मसाले को डालेंगे इसमें। अच्छे से मसाले को फैला देना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा डोसा बन के रेडी हो रहा है। तो देखिए कितना अच्छा से हमारा डोसा बन के रेडी हो रहा है। इस तरह करके हम निकाल लेंगे, प्लेट में रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा डोसा बन के रेडी हो गया है, मसाला वाला डोसा है। आप एक बार हमारे तरह ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें और टेस्ट करें। तो नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।